दोस्तों पता है आपको जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको क्या क्या अफसोस होने वाला है? नहीं, नहीं पता ना, अभी बता देते हैं, ठीक है? वीडियो को पूरा जरूर देखना। जब आप बूढ़े हो जाओगे ना तो आपको ये छह सबसे बड़ा अफसोस होगा। पहला अफसोस ये होगा, नॉट एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग, कि जब आप यंग थे तो आप अपना एक्सप्रेशन जो है, अपना फीलिंग जो है, दिल की बात, वो किसी से आप कह नहीं पाए। दूसरा अफसोस होगा कि नॉट स्पेंडिंग योर क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली, मतलब जब आपके पास समय था आपने अपना जो समय है उसे अपने फैमिली के साथ नहीं बिताया और मौज मस्ती की, इधर उधर फालतू का समय बर्बाद किया। तीसरा अफसोस ये होगा, नॉट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और रियल इस्टेट, मतलब जब आपके पास पैसा था, जब आप यंग एज में थे तो आपने स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आपने जमीन नहीं खरीदा जो आपको बुढ़ापे में मदद करे। चौथा अफसोस ये होगा, नो सेविंग फॉर रिटायरमेंट, मतलब आप अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ बचा के ही नहीं रखे। अच्छा अफसोस ये होगा कि आप जो है अपना शरीर को अच्छे से ख्याल नहीं रखे, जिम नहीं गए, एक्सरसाइज नहीं किया, जिसके कारण आपका जो शरीर है 5-10 साल पहले ही बूढ़ा हो गया। छठा अफसोस ये होगा कि आपने कोई बिजनेस नहीं किया, आपने छोटी मोटी नौकरी की जो आपको मतलब उस समय अच्छा लग रहा था, लेकिन जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको वो मतलब कि कुछ देने वाला नहीं, लेकिन आप जब बिजनेस करोगे तो वो आगे चलकर आपकी जो बिजनेस है, आपका जो पैसा है, उसे बढ़ाएगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ये जनरेशन वाइज वो बढ़ता ही चला जाएगा। तो ये जो छह अफसोस है ना, ये आपको बुढ़ापे में होने वाला, अगर आप ये छह गलती करते हो तो।